दोस्तों, जंगलों में आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा जो कि हमारी पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे डायनासोरों के बारे में, जो कि हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो करेंगे। तो दोस्तों, डायनासोर जो कि 5000 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो चुके थे और दोस्तों जंगलों का निर्माण करते थे, और दोस्तों जो कि आज के जो पक्षी हैं उनके समान थे। दोस्तों, डायनासोर शब्द 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा था। दोस्तों, आपको तो पता ही है, यह छपकली के आकार का, जो कि आज की जो छपकलियां हैं, गिरगिटे हैं, कोमोडो ड्रैगन हैं, उसके आकार के यह डायनासोर होते थे। 19वीं सदी में दोस्तों पहला डायनासोर का है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह डायनासोर एक कोमोडो ड्रैगन जैसा दिखता है, और दोस्तों कोमोडो ड्रैगन भी ऐसे ही चलते हैं। दोस्तों, आपने अन्य छिपकलियों को देखा होगा जो कि डायनासोर की तरह चलती हैं। जो उड़ने वाले डायनासोर रहे थे वह भी दोस्तों जो आज की चमगादड़ हैं उसी प्रकार के थे। आज जो मगरमच्छ है वो भी एक प्रकार का डायनासोर माना जाता है, क्योंकि उस समय पर दोस्तों पानी में चलने वाले भी डायनासोर माने जाते थे, या वैज्ञानिकों का कहना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक विशालकाय समुद्री जीव यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि एक डायनासोर है दोस्तों, और जो पशु पक्षी हैं यहाँ पर उसे खा रहे हैं। दोस्तों, डायनासोर छोटे भी थे जो कि अंडे देते थे और अपने लिए जमीन पर घोंसला बनाते थे, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पक्षी दोस्तों अंडे देते थे और वैज्ञानिक खोज पे लगे हुए हैं। दोस्तों, आपने उड़ने वाले डायनासोर के बारे में सुना होगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस तरह से, या दोस्तों इनके जो पंख हैं चमगादड़ की तरह हैं। चमगादड़ जब दोस्तों उल्टी लटक जाती है तो इसी तरह से दिखती है, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, पक्षी होते हैं दोस्तों, वह आज आपने देखे होंगे चमगादड़ हो गई दोस्तों, और छोटे छोटे जो आपने मछली खाने वाले जो सारस हैं वह भी दोस्तों डायनासोर का रूप माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय पर यह काफी बड़े बड़े होते थे और मांस खाते थे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यह एक पानी में डायनासोर घूम रहे हैं, और जो पक्षी उड़ने वाले डायनासोर हैं वह उड़ रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर दोस्तों 5 मिलियन साल पहले यह हमारी पृथ्वी सर विलुप्त हो गए थे, और दोस्तों उस समय पर या कितने खतरनाक जानवर होते थे, या दोस्तों जो मांस खाने वाले थे दोस्तों वह शाकाहारी जो डायनासोर होते थे वह उन्हें मार कर खाते थे। दोस्तों, ये चलन तो आज भी जंगलों में फैला हुआ है। जो शाकाहारी जानवर हैं, हिरन से लेकर अन्य वाइल्ड बीस्ट तक, जंगली सुअरों तक, वह सभी जो शेर और बिल डॉग हैं, वह जो बिग कैट्स हैं, इन छोटे जानवरों को मार कर खाते हैं, या पहले से ही इनकी चलन चलता आ रहा है। दोस्तों, यदि यह जानवर आज हमारी पृथ्वी पर होते तो क्या होता। दोस्तों, जयकाल जो कि छोटा होता है लेकिन खतरनाक माना जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह जयकाल दोस्तों छोटे पक्षियों, छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं, और दोस्तों वह घात लगाकर जानवरों पर हमला करते हैं, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसने एक पक्षी को अपने शिकार बनाने की कोशिश की थी, और दोस्तों इसमें इसने एक पक्षी को उसे गर्दन से काफ़ी बेरहमी तरीके से जकड़ लिया है, जो कि दोस्तों उसकी गर्दन पर काफ़ी बेरहमी तरीके से हमला कर रहा है, और उसके जो पंख हैं उन्हें वह नोच रहा है। दोस्तों, इनका जीवन मांस पर ही निर्भर रहता है, या दोस्तों अन्य खतरनाक जानवरों के मारे गए शिकारियों को चुरा कर अपना भोजन करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी यह छोटे जानवरों और पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन दो जयकालों ने एक हिरण के बच्चे को अपना शिकार बना लिया है। इस दूसरी जगह पर दोस्तों
एक लकड़बग्गे ने जो कि एक हाइनास है उसने एक सील को पकड़ लिया है। आपको तो पता है दोस्तों, यह जैकॉल जो कि एक प्रकार के कुत्ते होते हैं जो कि लोमड़ी के समान दिखते हैं और उसकी प्रजाति में ही आते हैं। दोस्तों यह ज़्यादातर अपना भोजन अन्य जानवरों से छिना कर खाते हैं, लेकिन दोस्तों यह छोटे जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों यह सियार कैद में 16 साल तक जीवित रह सकते हैं। यह किसी जानवर का शिकार करने के लिए अकेले जाने की बजाय जोड़े में शिकार करते हैं। और दोस्तों यह जैकॉल कुत्ते से तेज दौड़ सकते हैं। इनकी दोस्तों दौड़ने की क्षमता 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होती है। दोस्तों झुंड में शिकार करने का फायदा ये होता है कि यदि इनके सामने तेंदुआ या लकड़बग्गा आ जाए तो दोस्तों वह उसको मात दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक हिरण को इस जैकॉल ने कितनी मजबूती की तरह से उसके कान को तेजी से दबोच लिया है और उसे जमीन पर गिरा दिया है। जैकॉल दोस्तों काफ़ी खतरनाक जानवर माना जाता है जो कि जब झुंड में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस जैकॉल ने इस स्नेक को अपना शिकार बना लिया है। यह स्नेक इस पर हमला करता है, लेकिन जैकॉल दोस्तों अपनी चालाकी से इसे पूंछ की तरफ से पकड़कर उसे उठाकर अपने साथी के पास ले जाता है और दोनों दोस्तों उसे मार देते हैं और उसे खा जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस जैकॉल ने एक सील को पकड़ लिया है जो कि उसके पेट को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। यह दोस्तों मांसाहारी जानवर होते हैं और छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह है एक मादा जैकॉल जो कि अपने बच्चों के लिए एक खरगोश को कहीं से पकड़ लाई है। और दोस्तों यह जैकॉल काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों इस जैकॉल ने इस पक्षी को गर्दन से दबोच लिया है और उसे अपना शिकार बना लिया है। यहाँ पर दोस्तों पाइथन ने जैकॉल को जकड़ लिया था, लेकिन जैकॉल किसी तरह से उससे बचकर निकल गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह दो टाइगर हैं, उन्होंने एक वॉर्थॉग को अपना शिकार बना लिया है। उन्होंने उस वॉर्थॉग को गर्दन पर बेरहमी से पकड़ रखा है, क्योंकि दोस्तों यह टाइगर जंगली सुअरों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें गर्दन पर जकड़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह टाइगर और एक तरफ भालू है और दोनों दोस्तों एक ही रास्ते पर गुजर रहे हैं। और दोस्तों फिर बाद में यह टाइगर उस भालू पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते यह भालू आगे आगे भागने लगता है और दोस्तों टाइगर उसके पीछे। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की रफ्तार कितनी तेज दिखाई दे रही है। और दोस्तों इस टाइगर ने भालू को अपना शिकार बना लिया है और दोस्तों उसने उस भालू को फाड़ दिया है और उसे नीचे गिरा दिया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस टाइगर ने किस तरह से घात लगाकर एक शिकार को देखा है और उसके पीछे झट से उसकी गर्दन को दबोच लिया है, क्योंकि दोस्तों यह पीछे से जानवरों पर हमला करते हैं और पीछे से गर्दन को दबोच लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह है एक इम्पालास
जो कि उसको इस हिरण ने मार दिया है और उसे मुंह पर आधा चबाकर लटका लिया है। दोस्तों, जंगलों में यह अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली सुअर और दोस्तों हिरण के बच्चे और दोस्तों जो कमज़ोर पशु होते हैं या उनको ही अपना शिकार बनाते हैं ज़्यादातर समय पर। दोस्तों, यहाँ पर यह टाइगर थोड़ा चिल कर रहा है और दौड़ लगा रहा है। यहाँ पर दोस्तों यह भागते भागते दोस्तों रुक जाता है, क्योंकि दोस्तों इनका भारी भरकम शरीर होता है, इसकी वजह से यह ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह एक हिरण है और पानी के नीचे घात लगाकर टाइगर बैठा है। और दोस्तों जैसे ही टाइगर को लगता है कि यह उसका शिकार कर सकता है और झट से दोस्तों वह तुरंत हिरण के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है और दोस्तों उसके पीछे पड़ जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी तेजी से उसने हिरण का पीछा किया है और दोस्तों उसके पीछे पड़ गया है। आप देख सकते हैं कि हिरण आगे आगे भाग रहा है और जो टाइगर है उसके पीछे दौड़ रहा है।